हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलेंगी कहानियां जो जिंदगी बदल दें, जानकारियां जो आंखें खोल दें। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो लोगों के लाइफ से जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के लाइफ से जुड़ी हुई है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें एक मान करके बैठे हुए हैं, तो हम कहानी के ऊपर चर्चा करें। एक बार की बात है, एक राजा अपने छोटे से साम्राज्य में बड़ी आसान जिंदगी जी रहे होते हैं, बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। उनके पास मात्र 500-600 की जो सेना है वही होती है। वो सेना को बड़ी सम्मान करते हैं और उन्हीं को प्रशिक्षित करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। ये बात आजू बाजू के राजाओं में, राजवाड़े में चर्चा हमेशा चलती रहती है। एक बार की बात है, एक बड़े राजा ने अपने बड़ी विशाल सेना के साथ पूरी तरह से हर प्रकार से सुसज्जित सेना के साथ उनके ऊपर हमला बोल देता है। फिर राजदरबार में जो सेनापति होते हैं वो सेनापति घबरा जाते हैं, पूरी सेना में खलबली मच जाती है। और जो सेनापति है राजा साहब से जाकर बोलते हैं कि राजा साहब, इतने बड़ी विशाल सेना ने, जिनके पास हर प्रकार के साधन है, वो हम लोग उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिया है और उनके सामने तो हम लोगों का जीत हार निश्चित है। जितना मुश्किल है तो हम लोगों को उनके सामने आत्मसमर्पण कर देना ही भला होगा। फिर राजा साहब कहते हैं कि बात तो सही है, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन आत्मसमर्पण भी करना एक तरह के हार जाने के बराबर, हार मान लेने के बराबर ही है। क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें। फिर अगले दिन जो है राजा उस सेनापति को और सेना के महत्वपूर्ण सदस्य को बुलाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि लक भी कोई चीज है क्या, आप लोग लक के ऊपर कुछ विश्वास रखते हैं? फिर सेनापति बोलते हैं कि जी हाँ महाराज, लक भी कोई चीज है, लक भी पासा पलट सकती है। तो राजा साहब बोलते हैं कि मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं, यदि इस सिक्के में हेड आ गया तो हम लोगों की जीत निश्चित है, और यदि टेल आया तो हम लोग हारने की संभावना है, हम लोग हार सकते हैं। फिर राजा साहब उस सिक्के को उछालते हैं और जब सिक्का आता है तो उसमें हेड ही आता है। तो ये बात देख करके सारे लोगों के चेहरे पे खुशी की रोशनी दौड़ जाती है। सारे लोग खुशी पूर्वक कहते हैं कि इसका मतलब लक हमारे साथ है, यदि हम लोग तरीके से काम करें और लड़ाई करें, तरीके से अपना जी जान लगा करके लड़ें, तो हम लोग की जीत निश्चित है। फिर उस रात पूरे सेना में ट्रेनिंग होती है और फिर अगले ही दिन वो छोटी सी टुकड़ी को लेकर के राजा उस बड़े विशाल सेना के ऊपर हमला बोल देते हैं। पूरे दिन युद्ध चलता है और पूरी ताकत लगा करके, पूरे शिद्दत से, पूरे दिलो जान लगा करके ये छोटी सी सेना उस बड़े सेना को का सामना करती है और अंततः ये छोटी सी सेना बड़े विशाल साम्राज्य का जो राजा होता है उनके ऊपर फतेह करती है, जो युद्ध है उसको जीत लेती है और राजा को बंदी बना लेती है। फिर बंदी बनाने के बाद वो लोग, उन लोगों की जीत के बाद जब अगले दिन दरबार बैठता है तो उस दरबार में जो सेनापति है उनको अभी भी यकीन नहीं होता कि इतने बड़े विशाल और सुसज्जित सेना के ऊपर हम लोगों ने विजय हासिल कर लिया है। फिर यह बात जो सेनापति है राजा साहब से पूछ ही बैठते हैं कि राजा साहब, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है उस जीत की जो हम लोग अब खुशियां मना रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो राजा साहब कहते हैं कि साथियों, कुछ बात ऐसी है कि हम लोग मान करके बैठे हुए थे कि हम लोग हार सकते हैं, इतने बड़ी विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। फिर वो सिक्का दिखाते हैं तो सिक्के को देख करके जो सेनापति हैं चौंक जाते हैं। उस सिक्के में दोनों तरफ हेडिंग होता है, टेल होता ही नहीं है, मतलब कि हारने की संभावना होती ही नहीं है। यदि सिक्का दोनों तरफ से भी गिरता, इधर से या उधर से, तो हेड ही आता, मतलब कि हमारे मन से वो हार नाम की चीज को निकाल ही दिया गया था। साथियों, अभी भी हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो कहानी है उस राज्य के बारे में ही है, उस सेनापति के बारे में है नहीं। ये कहानी बहुत सारे लोगों के मन से जुड़ी हुई है, लाइफ से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ये मान बैठे हुए हैं, चारों तरफ से, उनके फैमिली से, उनके परिवार से, या उनके जो जितने वातावरण है, आजू बाजू के लोग हैं,
ये मानकर बैठा दी है, कह कह करके उनको दिमाग को खोखला कर दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। साथियों, यदि हम लोग ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, एक इंसान ही हर एक चीज कर पाता है। जैसे कि मैं बात बताऊं गुरु गोविंद जी का, जिन्होंने अपने कविता में लिखा है और कहा है कि कहा गया है कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिद्दड़ा नू मैंने शेर बनावा, सवा लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम भरावा। साथियों, यहां पे गुरु गोविंद सिंह जो है ये गिद्दड़ को शेर से लड़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम लोग के टीम में तो हर व्यक्ति एक तरह का शेर ही है। यदि पूरी तरह से अपने स्किल्स को, अपने मेहनत को सही जगह पे लगा दें तो हम लोग तो ऑलरेडी शेर हैं। अगर हम लोग लगा दें सारी शिद्दत तरीका तो हम लोग बब्बर शेर बन के निकलेंगे और अपने सफलता को जरूर हासिल करेंगे, शिखर पर को जरूर फतेह करेंगे। और कहा गया है यदि कमाना हो ढेर तो बनना होगा शेर। जिनको समाज ने कह कह के ये दिमाग में भर दिया है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैं कहूं साथियों कि जब पूरी दुनिया बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही समय होता है हमें कुछ कर दिखाने का। जो कहा गया है कि भीड़ में चलना, भीड़ ही एक तरह से भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन साथियों भीड़ में चलना आसान तो होता है लेकिन वो आपकी पहचान छीन लेती है। यदि हमें कुछ अलग करना है तो कुछ ना कुछ हटके करना होगा, अपने तरीके से भी करना होगा, एक टीम बनाकर करना होगा, स्किल्स के साथ हमें मैन पावर को बढ़ाना होगा। हम मिलकर के बहुत बड़े जंग को हासिल कर सकते हैं, फतेह कर सकते हैं और अपने लाइफ में आर्थिक आजादी और सफलता जरूर पा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन में ये ठान कर बैठे हुए हैं कि ये जो सफलता है उस खास किस्म के लोगों के लिए ही बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं कहूं कि अगर तरीके से हम लोग अपने समय को यूटिलाइज करें और ध्यान रख करके एक मैन पावर का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं। साथियों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।